हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑनलाइन हेल्प में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि RRCNR यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस फॉर्म अप्लाई कैसे करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे अप्रेंटिस या महारत्न कंपनी अप्रेंटिस, गवर्नमेंट जॉब या स्टेट जॉब की नोटिफिकेशन, ऑनलाइन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट के बारे में सबसे पहले बताते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और फ्रेंड्स सर्च बारे में आपको टाइप करना है www.rrcnr.org.com। सो फ्रेंड्स, हम टाइप करते हैं पहले, इसके बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए। तो नोटिफिकेशन वाली वीडियो मैं बना दिया हूँ, जिसको डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑनलाइन प्रोसेस की। तो ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको। और फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन के आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल करते हुए चलेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन टिक करने का, टिक कर देंगे इसमें। और अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो लॉगिन पे क्लिक करके डायरेक्ट चले जाएंगे, या अभी नहीं किए हैं तो सिंपली इस पर करेंगे। तो कड़े अभी आवेदन पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम टिक करते हैं, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा फ्रेंड्स। तो सिंपली करना क्या है, इसको स्क्रॉल करके हम ले चलेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप, मेल फीमेल जो भी आप देख लेंगे उस हिसाब से। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको टाइप करना है कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला स्टेप चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमने सारे फिल कर लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली इस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ कि आपका सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है, और लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपका लॉगिन यूजर आईडी, पासवर्ड, आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। यानी कि ईमेल पर भेज दिया जाएगा और जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे उस पर भी भेज दिया जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो यूजर आईडी आपका मेल ईमेल ही रह जाएगा, लगभग आप मेल पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका पासवर्ड यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया वो देख लेंगे। और स्क्रॉल करके नीचे आप देखेंगे लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई रहेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है आपको फ्रेंड्स। तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लिखा हुआ है कि पंजीकृत ईमेल आईडी डाले इसमें, और पासवर्ड जो वहाँ पे मिला था उसको इसमें टाइप करके उसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको फिल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ स्क्रॉल करके आप देखेंगे कि आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लीकेशन फॉर्म का, जो फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद सेकेंड में रहेगा पे एग्जामिनेशन फी, जिसमें कि आप बताया जा रहा है कि एससी एसटी फीमेल और हैंडीकैप के लिए आपको पेमेंट नहीं लगेगा, फी उनके लिए निःशुल्क है। और उसके बाद फिर थर्ड ऑप्शन जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर एंड थंब का, जो थर्ड ऑप्शन में है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ स्टेप जो दिया है इसमें कि प्रिंट पेमेंट स्लिप, जो कि प्रिंट का इसका पेमेंट स्लिप निकाल सकते हैं। और उसके बाद पाँचवीं जो ऑप्शन दिया है ये प्रिंट अप्लीकेशन का, जो कि पूरा क्लियर हो जाएगा फॉर्म फिलअप होकर, वो आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है जो एग्जिट पेज, मतलब लॉग आउट करके आप पेज से एग्जिट हो जाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, पहले हम इसको क्या करते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन है, तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, उसके बाद कैटेगरी रहेगा, उसके बाद उपश्रेणी रहेगी, उसके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर रहेगा, उसके बाद ईमेल आईडी आपकी रहेगी, उसके बाद आपकी आयु दी हुई रहेगी, उसके बाद शुल्क में छूट। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आगे आ गए तो यहाँ पे आप पता आपका दिया रहेगा। उसके बाद लाइन जोड़े, लाइन नंबर टू, मतलब दूसरी भी एड्रेस डाल सकते हैं, तीसरी भी है। उसके बाद किस स्टेट से, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद किस सिटी के नाम सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद किस धर्म से आते हैं, उस धर्म को टाइप कर लेना है। उसके बाद राष्ट्रीयता क्या है आपकी, उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बॉडी मार्क, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में फ्रेंड्स कि नोट,
तिल शरीर का निशान नहीं होता, यानी कि आप तिल का निशान यानी कि मोल का साइन नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कट ऑफ कट का साइन दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बॉडी मार्क टू में भी वही बताया जा रहा है कि आप तिल शरीर का निशान नहीं होता है तो उसको नहीं टाइप कर सकते। फ्रेंड्स जब अगला सवाल में आता है निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सी, तो आपके नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन होगा उसको आप टाइप कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स जब अगला स्टेप आता है कि राज्य केंद्र सरकार कि मतलब आईटीआई के संस्थान में डिटेल्स डालनी है आपको, तो आपके ट्रेड कौन सी है तो आप ट्रेड सेलेक्ट करने हैं, क्लस्टर कौन सा ऑप्शन लेना है उसमें सेलेक्ट कर लें कोई एक सा। उसके बाद आपके अगले ट्रेड योग्यता कहाँ तक है तो योग्यता सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें फिर मान्यता प्राप्त कहाँ से किस बोर्ड से है तो उस बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यूनिक विकल्प वन यानी कि अगले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे इसको क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट उसमें से कोई दूसरी ऑप्शन देख लेंगे। इस तरह से आप दूसरी तीसरी देख सकते हैं या तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक का डिटेल्स मांगेगा आपसे, तो बोर्ड का नाम टाइप कर लेंगे किस बोर्ड से। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष टाइप कर लेंगे। उसमें मार्क्स मोड कि मतलब अंक में है या ग्रेड में है, तो मार्क्स में है तो मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अधिकतम अंक कितने के हैं, तो जितने की एग्जाम होती है उतना ही टाइप कर लेंगे। उसमें कितने अंक आपको मिले तो उतना टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर भी आईटीआई का तकनीकी योग्यता दिया गया है तो कितने साल का है, उसके बाद ट्रेड सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद संस्थान का नाम टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष और प्रमाण पत्र नहीं सर्टिफिकेट नंबर जो होता है वो इसमें टाइप कर लेना है, जो कि सर्टिफिकेट के राइट कॉर्नर पे आपको जो नंबर दिया हुआ रहता है सर्टिफिकेट नंबर वो नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद प्रमाण पत्र का जो जारी किया वो डेट टाइप कर लेना है। उसके बाद कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था वो और कितना प्राप्त किए वो, और फ्रेंड्स उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जब अगला स्टेप आते हैं आप तो सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, सिंपली सबमिट पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपका सबमिट हो जाएगा और मैसेज आपको चला जाएगा रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद फ्रेंड्स जब अगला स्टेप आता है आपके सामने तो एक ऑप्शन तो हो चुकी है, दूसरे ऑप्शन में क्या है कि आवश्यक नहीं यहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगा क्योंकि एसटी से फॉर्म भर रहे हैं इसलिए नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी जनरल से जाते हैं तो उसका फॉर्म फिलअप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके क्या होगा कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से यूपीआई आईडी से पे करके फिर आप यहाँ आएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगला स्टेप है दस्तावेज यानी कि फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब का साइन अपलोड करना है, तो सिंपली उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होता है, तो इसको स्क्रॉल करके हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोल रहा है, जो कि 60 से 80 केवी के बीच में होना चाहिए जेपीजी के रूप में, और अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स दसवीं का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो वो भी 60 से 80 केवी के बीच में होना जेपीजी में, और अपलोड यहाँ करने कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब एसटी यानी कि आईटीआई का जो सर्टिफिकेट होता है उसको अपलोड करने के लिए 60 से 80 रहेगा, उसके बाद अपलोड भी यहीं करेंगे। स्क्रॉल करके फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईटीआई का अंतिम सेमेस्टर यानी कि प्रमाण पत्र जो है उसको अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें फिर 60 से 80 के भी उसका भी रहेगा जेपीजी के रूप में और अपलोड कर लेंगे, और फोटो का भी रहेगा 10 से 30 के भी में उसको भी अपलोड कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद स्क्रॉल करके जब नीचे आते हैं आप तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हस्ताक्षर के लिए बोल रहा है तो वो भी 10 से 30 के बी के बीच में रहेगा और अपलोड कर लेंगे सिग्नेचर। उसके बाद फ्रेंड्स अंगूठे का निशान तो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो वो भी 10 से 30 के बी में रहेगा, और फ्रेंड्स थंब का अपलोड करके सबमिट पर सिंपली क्लिक करना है आपको, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे सबमिट पर। फ्रेंड्स पहले हम इसको फिल कर लेते पूरी इस तरह से। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हम सारे फिल कर लिए हुए हैं, जो कि आपको सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, और फ्रेंड्स सब फिल कर लिए आप देख लें अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स इसके बाद आप करना क्या है कि सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरह से पेज ओपन किया आएगा, इसको देखेंगे यहाँ पे कि आपको जो ऑप्शन है कुछ फर्स्ट 1, 2, 3 हो चुकी है और चौथी जो है प्रिंट की, क्योंकि एसटी से फॉर्म भरें इसलिए आपका आवश्यक नहीं है, नहीं तो दूसरे तरह से यहाँ पर आप पेमेंट के अथी कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगले स्टेप जो आती है आवेदन पत्र प्रिंट करें, तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि आपके सामने फॉर्म फिलअप होकर आ चुका है, सिंपली आप चेक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिंट का ऑप्शन, इस पर प्रिंट करके आप रख लेंगे इसको फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स बंद करके ऑप्शन दिख रहा है, इसे बंद करें मतलब कि इसे बैक आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बैक आने के बाद आपके सामने पेज आ जाएगा, हम सिंपली दूसरी फिर लॉगिन करने चाहते टिक करेंगे इस पर, और उसके बाद फिर लॉगिन करके या नया रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इस तरह का मेरे वीडियो बनाना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं सारे वीडियो बनाता रहा, तो रेलवे अप्रेंटिस या महारत्न कंपनी या अप्रेंटिस या नवरत्न कंपनी, इस तरह की सारी कंपनियों की डिटेल्स बताता रहता हूँ। मेरिट लिस्ट या रिजल्ट जब भी आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।